टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम जानेंगे नेत्र फ्लू कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि आजकल गर्मी और उमस के कारण बहुत तेजी से वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से वो बहुत तेजी से फैल रहा है। यह आंखों का वायरल संक्रमण है जिसको कि कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह से आंख के रोगियों की संख्या में अचानक से इस समय बहुत इजाफा होने लगा है। यह वायरल संक्रमण प्रभावित रोगियों की से आंखें लाल सुर्ख हो जा रही हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी से इस वीडियो में अवगत होंगे। तो जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस अर्थात आई फ्लू आंखों को प्रभावित करने वाला एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, जिससे कि आंखें जो है वो लाल रंग की हो जाएंगी या पिंकिश हो जाएंगी। यह पिंक आई के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका कंजक्टिवाइटिस का दूसरा नाम पिंक आई भी है, क्योंकि इससे आंखों का आप ये देख सकते हैं जो आपके ब्लैक कलर का आंख में आई बाल होता है उसके बाद की जगह जो जगह होती है व्हाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, ये पूरा भाग जो है कंजक्टिवा कहा जाता है। जब इसमें इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन लगता है तो हम उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इसमें हमेशा हम देखते हैं कि क्या आँखें एकदम से रेड सुर्ख हो जाएंगी या गुलाबी कलर की हो जाती हैं। अब दूसरा क्या होता है ये देखते हैं, अभी क्यों हो रहा है, ये जो हो अभी इतना जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से इस समय प्रेजेंट टाइम में यह बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। ये कंजक्टिवाइटिस डिजीज जो है वो आंखों को 3 से 4 दिन तक प्रभावित कर सकता है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम क्या क्या हैं कंजक्टिवाइटिस के, यह हम जानते हैं। इसमें जो आँख है उसके सफ़ेद भाग जो है वो गुलाबी हो सकता है या पूरी तरह से सुर्ख लाल भी हो सकता है। आँखों में जो है दर्द के साथ सिक्रीशन आएगा, जिसमें जो सिक्रीशन पस फार्म में भी हो सकता है। तीसरा क्या है इसका सबसे बड़ा सिम्टम कि रुक रुक कर इसमें आपके हेडक होगा, सिर दर्द होगा, इस आँख में इन्फेक्शन के कारण आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली, इचिंग हो सकती है, खुजली हो जाती है, बार बार मन करेगा कि आँखों को अपने हम मलते रहें। फिर क्या हो सकता है कि आँखों की पलकों अथवा भौहों के ऊपर पपड़ी बनना या आँखों की पलकों का चिपकना, दोनों चीज़ें हो सकती है। इसमें सिक्रीशन की वजह से फिर पपड़ी बनने लगती है, चिपकने लगती हैं, या और जब पपड़ी बनेगी तो सुबह अगर कोई रात में सोता है तो सुबह उठ के देखता है तो आँखें चिपक जाती है उस सिक्रीशन की वजह से। अब क्या है अभी और भी क्या चीज़ें इनके सिम्टम के रूप में देखने को हमको मिल सकती है, इसमें जो है पलकों के जो किनारे हैं, किनारे के भाग की तरफ हमको सूजन महसूस हो सकती है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की आँखों में इन सभी लक्षणों के साथ फीवर भी हो सकता है। तो अब इसमें हमको है कि क्या करना चाहिए कि जिससे इस संक्रमण से हम अपने साथ साथ बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी बचाव कर सकें। तो इस बात में हम जानते हैं कि हाथों को क्या करना है, आपके हाथ को बार बार साबुन तथा पानी से साफ करना। क्यों करना है कि मान लीजिए किसी को अगर ये इन्फेक्शन है, उसने डोर को टच किया या उसके हैंडल को टच किया, और कई सर्फेस ऐसे हैं कि किसी भी ऐसा इन्फेक्टिव व्यक्ति है जो कि कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, अगर उसने टच किया होगा तो अगर उन सब चीज़ों को टच करके हम अपने आँखों को छुएंगे बार बार तो आसानी से वो इन्फेक्शन हम सब जो भी दूसरे व्यक्ति हैं जो उनके आँखों में ये लग सकता है। और भी क्या करना है, तो इसीलिए हमको हाथों को अपने हमेशा स्वच्छ रखना होता है, जिसके लिए हमको हैंड वॉशिंग करनी है। अपनी आँखों तथा चेहरे को साफ करने हेतु स्वच्छ टिश्यू पेपर अथवा तौलियों का प्रयोग करें तथा प्रयोग के उपरांत उनका उचित प्रकार से निस्तारण करें। अगर आप अपने आँखों जहाँ भी ऐसी संभावना है कि इन्फेक्शन फैला हुआ है, किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस हुई हो तो वहाँ पे अपने आप जब भी ऐसा पॉसिबल ना हो, भाई हमेशा तो कोई घर पे रहेगा नहीं कि उसको हमेशा तौलिया मिलेगा अपना मुँह साफ करने के लिए, तो आप अपने साथ टिश्यू पेपर रख लें। अगर कहीं अगर इन्फेक्शन किसी को हुआ है और आप उसके अगल बगल रहने वाले हैं तो आप अपने पास टिश्यू पेपर रख सकते हैं। जब भी अपना आपको मुंह साफ करना है, पोछना है, तो आप अपना जाकर के हैंड वॉशिंग करेंगे, उसके बाद एक टिश्यू पेपर से अपने फेस को आप साफ कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि
संक्रमित आंख को छूने के उपरांत हाथों को अच्छी तरीके से साफ करना सुनिश्चित करें तथा आंखों को साफ करने हेतु प्रयोग की गई सामग्री अथवा गौज अथवा रुई को प्रयोग करने के उपरांत उचित प्रकार से निस्तारित कर दें। ये सब है कि आप कहीं भी ऐसे इन्फेक्शन के एरिया में हैं जहां आजकल इतना ये फैला हुआ है, इसीलिए सरकार ने ये सब गाइडलाइन जारी की है ताकि और लोगों में इन्फेक्शन ना फैले और बहुत बड़े पैमाने पे इसका संक्रमण ना होने पाए। इसलिए सबको ये चीज़ें करनी है, जो भी बाहर अपने ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवेयर करना है कि किस तरह से अपने हाथों को स्वच्छ रख के ही हमको अपनी आँखों को छूना है ताकि इन्फेक्शन का और फैलाव ना होने पाए। तो इस तरह से हमने समझा कि आँखों को छूने या हम भी अपने आँखों को अगर टच करते हैं, मलते हैं तो उसको या कोई चीज़ से अगर साफ करते हैं तो उन सब चीज़ों को हम उसको उचित तरीके से उसका डिस्पोजल करना है। इसके बाद है कि नियमित रूप से प्रयोग किए जाने वाले चश्मे को भली भांति साफ करें। अगर आप कोई भी चश्मा पहनता है तो उस चश्मे की भी आपको नियमित रूप से सफाई करनी है। आपको उसमें एक कपड़ा बना रहता है जिससे सफाई करिए, उसको भी आप बार बार ला करके और साबुन और पानी से धुल दीजिए और फिर अगले बार उसको यूज करिए। जैसे एक दिन आपने यूज कर लिया कि अगर सफाई के लिए, फिर आप उसको अगले दिन उस कपड़े को आप बिल्कुल वाश करके फिर उसको यूज करिए। क्या इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने हेतु सन ग्लासेस का प्रयोग करें। ये उसके लिए है कि अगर कहीं भी कंजक्टिवाइटिस आपके अगल बगल है तो वहाँ पे आप बगैर सन ग्लासेस के नहीं जाना है अदर को, और ताकि इन्फेक्शन को जिसको हुआ है वहीं से ठीक हो जाए और लोगों में ना फैलने पाए। और जो जिसको अगर हुआ है उसको क्या करना है कि उसको हमेशा जैसे लिक्विड फ्लूड होता है वो हमेशा लेने चाहिए ताकि उसको थोड़ा आराम मिल सके। अब देखते हैं कि और क्या हो सकता है कि यदि आँखों में रेडनेस है, आँखों में किसी प्रकार का डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। और जैसे आप अपना बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करने की कोशिश करें। अब है कि क्या नहीं करना है, तो हम देखते हैं कि हमको अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्या नहीं करना है, उसके साथ साथ जितने भी अगल बगल उसके हैं उन सबों को भी इस चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कहीं भी कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन है तो हाँ, जो संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो आइए देखते हैं कि क्या नहीं करना है। तो पहला है कि आँखों को बार बार हमको टच नहीं करना। मैंने पहले ही बता दिया है कि आँखों को बार बार नहीं करना है, जब करना हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से हमेशा करना है। फिर क्या है, सूरज की सीधी धूप और धूल मिट्टी से दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों में, क्योंकि और एलर्जी होती है इन सब चीज़ों से, वो और दिक्कत वहाँ महसूस होती है अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो। घरेलू नुस्खों अथवा अप्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह का प्रयोग न करें। आप किसी के कहने से ये नहीं कि ये कर लो, ये डाल लो आँख में, वो डाल लो या स्टेराइड वाला कोई आई ड्रॉप डाल लो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है बिल्कुल। आपको अगर दिक्कत है, परेशानी हुई है आँखों में तो आप अस्पताल के अंदर जा कर के और आके डॉक्टर को ही दिखाइए और किसी की सलाह का प्रयोग मत करिए। संक्रमित व्यक्ति द्वारा वही बात है कि जो इनको इन्फेक्शन हुआ है उनकी जो भी सामग्री उन्होंने अगर यूज करते हैं, उनके टॉवेल हो, उनके जो मेकअप की सामग्री हो, टिश्यू पेपर हो, आई ड्रॉपर तकिए का कवर हो, उसको बिल्कुल तरीके से किसी और दूसरे को नहीं यूज करना है और प्रॉपर वे में उसको डिसइंफेक्टिव भी करना है आपको, ताकि जो भी जहाँ वो सोते हैं जैसे बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में धुल करके गर्म पानी में थोड़ी देर रख के और उसके बाद ले जाके पूरी तरह सनलाइट में फैलाने के बाद ही फिर ला करके यूज करें। फिर इस तरह और फिर क्या करना है, किसी को अभी इस वक्त तो इतनी तेज़ी से फैला है कि स्विमिंग पूल हो इत्यादि जहाँ लोग भीड़ भाड़ का जगह है वहाँ पे तो अभी फिलहाल बिना अगर कोई काम नहीं है तो वहाँ से बचना चाहिए जाने से। आँखों की देखभाल में प्रयोग होने वाले की व्यक्तिगत सामग्री को अन्य व्यक्तियों के साथ साझा न करें। जैसे किसी ने अपना सनग्लासेस लगाया है या और भी तरीके के कोई अगर लेडीज हैं वो काजल वगैरह लगाती हैं तो वो अभी इस वक्त कोई भी किसी के साथ शेयर न करें, इससे और भी इन्फेक्शन फैलने का डर होता है।
यदि आप कांटेक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं तो संक्रमण की अवधि तक इनका प्रयोग रोक दें तथा डॉक्टर की सलाह के उपरांत ही कांटेक्ट लेंसेज को पुनः प्रयोग करना प्रारंभ करें। ये तो उनके लिए है महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी कांटेक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं तो इस वक्त उनको मना किया गया है। जब उनके अगर आँख में इस तरह से कोई दिक्कत लगती है तो उनको ये लेंस न पहनने, और उसके बाद जब भी पहनने हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखा उनसे सलाह लेके उसके बाद ही आपको पहनना है। जिसके आंखों में अगर कोई संक्रमण हुआ है, उसकी आंखों में लाल लग रहा है या कोई जल लग रही है, कोई लग रहा है खुजली लग रही है, तो ऐसी स्थिति में आप जाके डॉक्टर को दिखा लो, जो लोग कांटेक्ट लेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या है कि चिकित्सक की सलाह के बिना किसी प्रकार की, वही बात है, बिना कोई आई ड्रॉप लेना बिल्कुल नहीं होता है किसी को भी, जिसको हुआ है चाहे नहीं हुआ है। बगैर आँख का मामला है भाई, इसमें बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल आप कोई भी चीज़ किसी के एडवाइस से आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी जटिलता भी हो सकती है। क्या है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से यथासंभव बचें। अब इसका देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। कंजक्टिवाइटिस के अभी बारे में था, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, ये क्या होते है कंजक्टिवाइटिस। अब देखते हैं इसका अगर हो ही गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट में है कि आँखों को साफ करने हेतु आई वाइप का प्रयोग करें और आँखों को बार बार न छुएं, आँखों को रगड़े नहीं। अगर कंजक्टिवाइटिस हो गई है, आंखें लाल हो गई हैं, सुर्ख लाल हो गई हैं, गुलाबी हो गई हैं, या किसी तरह की एलर्जी लग रही है, खुजली लग रही है, तो आपको रगड़ना नहीं है, ना ही बार बार छूना है। और अपने जो भी सरकारी अस्पताल आपके अगल बगल हैं, चाहे OCHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कोई भी है, वहाँ से जा करके आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के और उचित उपचार ले सकते हैं। फिर क्या है कि चिकित्सक द्वारा बताई गई पूर्ण अवधि हेतु आई ड्रॉप्स का और औषधि का, जो भी उन्होंने आई ड्रॉप्स या जो भी दवा उन्होंने प्रिस्क्राइब की है आपको, उसको उचित तरीके से आप लें। ऐसा संभव हो स्वयं को आइसोलेशन, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन को रोकने का सही तरीका यही होता है कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो खुद को अपने को आइसोलेट कर ले। किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए आइसोलेट एक बेहतर उपचार है, ताकि और भी परिवार के सदस्यों को न होने पाए तथा और भी लोगों में स्प्रेड न हो, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस बहुत इजीली तरीके से स्प्रेड हो जाता है। एक को हुआ तो फैमिली में हर किसी के होने की संभावना बन जाती है, तो उसको आइसोलेशन में बिल्कुल रहना चाहिए। अब क्या है, दृष्टि की धुंधला होने की स्थिति में तत्काल नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। इससे पहले ही इस जानकारी इसीलिए दी जा रही है, जानकारी आपको चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है कि इन सब बातों को आप समझ ले और इस तरीके से करना है आपको। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो मौसम है आजकल, इन्वायरमेंटल में इतने चेंजेस हैं, उमस है, गर्मी है, उसी के तहत ये सब प्रतिक्रिया के रूप में हो रही है भाई। हर चीज से भाई इतनी उमस है तो कुछ तो हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी उसका असर देखने को मिलता है। तो एक तरह से आप जानिए कि इतनी इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से इसमें पूरी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, इसको फॉलो करिए। और जिसको जिसको नहीं हुआ है उसको भी थोड़ा भीड़ भाड़ अगर जैसी स्थिति में हो जाता है, उस स्थान पर जाता है, तो उसको भी ये सब बातें जाननी चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए, ताकि ये संक्रमण हो कम से कम फैले और जल्दी से जल्दी लोग स्वस्थ हो सके। और जो है कि सब इस जानकारी इसीलिए है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और संक्रमण के फैलाव को हम रोक सके। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपको अगर ये जानकारी थोड़ी भी उचित लगी हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू। और इसी के साथ साथ बेल आइकन को जरूर आप टच करिए, ताकि और भी जैसे मेरे वीडियो आती है उसकी जानकारी